मॉर्निंग क्लास 10 बड़ा पा चैप्टर स्टार्ट किया सी अध्याय नंबर 7 काबू और तालमेल चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब दस्या सी जिन्ने भी बच्चे अपने सारे सिस्टम्स हैगे है सारे जिन्ने भी अपने ऑर्गेनिजम्स दे विच जिन्नी भी एक्टिविटीज चल रही है सब नु कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा ब्रेन कर रहा है और ब्रेन की हैल्प कौन करता कोऑर्डिनेट कौन करता ब्रेन के नाल स्पाइनल कोड जिन्हें सूक्ष्म नाड़ी बोलते हैं तो सारा हारमोनल सिस्टम सारे हारमोन जो अपने है वो ब्रेन की एक्टिविटी कंट्रोल करने की हैल्प करते ठीक है ना पहले डिस्कस किया कि न्यूरोन जोड़ा है न्यूरोन किन्ने पार्ट होंगे अपने को डेंड्राइट है हवार वाले पार्ट से कहना फिर सैल बॉडी है दैन अपने को है एक्जन है तो नर्व एंडिंग है ठीक है ना बड़ा जिमें ही आप देखते हैं कि जो नैक्सट जो अपने को डेंड्राइट्स है जो क्लोजर आते हैं जो इनफॉर्मेशन पास करनी होंगी है तो इस जी फंक्शनल जंक्शन बनता विचकार की बोल दें असं सैनैप्स ठीक है ना पर सैनैप्स की होंगे अपने को एक प्री सैनैप्टिक नोब है एक पोस्ट सैनैप्टिक डिप्रैशन है डिप्रैशन किन्ने बनाना बच्चे अपने को नर्व एंडिंग ने ठीक है ना और अपने को जो सॉरी डिप्रैशन किन्ने बनाना अपने को डेंड्राइट्स ने तो नर्व एंडिंग ने की बनाना बच्चे नोब बनानी है एक नोब की तरह झुक जाएगा दूसरा है डिप्रैशन जोड़ा है की करेगा इनफॉर्मेशन पास करने के हेल्प करेगा ठीक है ना तो मैं ऑलरेडी डिटेल समझा चुकी हूँ बेटा की होंगे इस क्रिया के बट फिर अभी बड़ी सी प्रतिवर्ती क्रिया की होंगी है जिहड़ी क्रियावां नूं सुखना नाल जिहड़ी हैगी है ब्रेन की हैल्प नाल कंट्रोल करदे नूं की बोलदे ने असीं प्रतिवर्ती क्रिया इस की अपने कोई ग्राही हुंदी है ग्राही नूं जिहड़ा महसूस करन वाले अपने संवेदी न्यूरोन्स है और न्यूरोन की करनगे बच्चे इनफॉर्मेशन नूं ब्रेन तक लैके जाणगे मतलब स्पाइनल कोड तक लैके जाणगे जे स्पाइनल कोड दा आप हल दस सकदी तां वैल एंड बैटर वरना की करेगी इनफॉर्मेशन नूं ब्रेन तक भेजेगी ठीक है ना पर सारा न्यूरोन या प्रेरक न्यूरोन जिहड़े हैगे उह वापस लैके आणगे सिग्नल नूं ते कारजकर्ता जिहड़ा होएगा इफेक्टर ऑर्गन अपना होएगा उह कोई भी चीज़ नूं मतलब वी कैन से रिस्पोंस नूं एक अनु करन दे विच मदद करेगा बड़ा जिहड़ा अपने को रिसेप्टर ऑर्गन हुंदा ठीक है ना और रिसीव करदा ठीक है इफेक्टर ऑर्गन जिहड़ा हुंदा अपने को की करदा और रिस्पोंस दिंदा ठीक है ना जद तक अपने को रिसीव करके रिस्पोंस नहीं मिलता एक पूरी क्रिया जिहड़ी हैगी पूरी नहीं हुंदी बड़ा आज डिस्कस करना है मनुखी दिमाग ह्यूमन ब्रेन की है ठीक है ना बड़ा जिहड़ी सूक्ष्म नाड़ी है अपने को स्पाइनल कोड है कल्ली सारे काम नहीं करती ठीक है ना किदे हैल्प ना करती है ब्रेन की हैल्प ना करती है बड़ा ब्रेन जिहड़ा हैगा एक कहने वास्ते एक ऑर्गन है बट इट इज़ नॉट सिंपल ऑर्गन एक बहुत कंपलैक्स ऑर्गन है कंपलैक्स का मतलब की है बड़ा जटिल ऑर्गन है ठीक है ना बड़ा कोई भी जी इनफॉर्मेशन लेने जो आप लिखना है गल करनी है ठीक है ना तो बच्चे और घुमाना है हूँ सपोज करो तेरी क्लास तो स्कूल के कोई भी चीज़ चल रही लाइक किसी मोन लिखवाया है सपोज किसी डैथ होने की मोन रखते हैं आप क्लैपिंग तो नहीं करते ना बट जे अपने को सपोज करो कोई भी अपने को इदा का चीज़ चल रही है लाइक डांस होकर हटिया या कोई म्यूजिक किसी ने सुनाया बड़ा अच्छा तो वह की करते हैं अंत ताड़ियाँ मारते हैं ब्रेन दसद किस टाइम तुम्हें की करना है ठीक है ना हूँ नैचुरल गल है कि अभी किसी के मोन तो बाद ताड़ियाँ नहीं मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे ब्रेन को पता है किस टाइम तो बाद की करना है ठीक है ना बड़ा एक छोटा बच्चा होएगा उन्हें नहीं पता होगा किस टाइम की करना है उन्होंने पता है कि हर बार देखता है कि रोज़ प्रेयर की होंगे अपने को भी उस तो बाद क्लैपिंग होंगी है वह मोन तो बाद भी क्लैपिंग करेगा बिकॉज ऑफ ब्रेन जोड़ा है हजे उस चीज़ को इंटरप्रैट करने के काबिल नहीं है ठीक है ना बड़े सारे अपने को कहते सिग्नल्स होंगे है ठीक है ना जो केंद्रीय नाड़ी प्रणाली अपने को सेंट्रल नर्वस सिस्टम है केंद्रीय नाड़ी प्रणाली की अपने को CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दूजे भागों तो आने वाले सारी सारी क्रियावान कंट्रोल करता है और बड़े CNS है की है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होंगे अपने को एक होंगे ब्रेन अदर इज़ द स्पाइनल कोड ठीक है ना पहला पार्ट कि अपने को दिमाग दूजा पार्ट कि अपने को सूक्ष्म नाड़ी ये दोनों मिलकर काम करते हैं बड़ा ब्रेन तो अपने को आदि है क्रेनियल नर्व्स ठीक है जिन्होंने बोलते हैं कपाल नाड़ियाँ तो स्पाइनल कोड तो अपनी आदि स्पाइनल नर्व्स में बोलते हैं असं सुखमना तंदा की बोलते हैं सुखमना तंदा ठीक है ना ये दोनों मिलकर बड़े सारे कामों परफॉर्म करने के हेल्प करते हैं बट वैसे एक्चुअली अपने जिन्हें नर्वस सिस्टम है अपने नाड़ी सिस्टम हैगा ठीक है ना जिन्होंने नाड़ी प्रणाली बोलते हैं और नाड़ी प्रणाली में तीन भाग आते हैं ठीक है ना एक आंदा CNS एक आंदा ANS एक आंदा PNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ये तीनों पार्ट जोड़े है अपने को मिलकर काम करते हैं ठीक है ना बट बेटा आप इतने की समझना है असं समझना सिर्फ ब्रेन के बारे ठीक है ना अब बहुत डिटेल समझाना कि काम होंगे आप सिर्फ डिटेल कर डिस्कस करना हजे ब्रेन के बारे बड़ा ब्रेन जोड़ा अपने को एक बड़ा जटिल ऑर्गन है ठीक है ना ब्रेन बच्चे क्रेनियम कैविटी के लाई करता है क्रेनियम कैविटी की है जो स्कल बोल दें अपना खोपड़ी बोल दें ठीक है ना नाम की है क्रेनियम कैविटी बड़ा ब्रेन क्रेनियम कैविटी अंदर लाई करता है बड़ा जिमें अपने को सपोज करो कि असं किसी की पैकिंग करते हैं कुछ टुटने वाली चीज़ होंगी अपनी असं करते हैं बिच अखबारा लगा दें कोई शीट्स भर
ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਕਿ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰਿੰਗਸ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਵਰਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨਿੰਜਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮੈਨਿੰਜਿਸ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਮੈਟਰ, ਡਿਊਰਾ ਮੈਟਰ, ਆਰਕੀਨੋਇਡ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਮੈਨਿੰਜਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਬੋਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨੀਅਮ ਕੈਵਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨਿੰਜਿਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲਾ ਦਿਮਾਗ, ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ, ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ, ਆ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਬਸ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਾਇਨਸੈਫਲਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਨਸੈਫਲਿਨ। ਬੜਾ ਡਾਇਨਸੈਫਲਿਨ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਬ ਅਤੇ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਹੈ, ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬੜਾ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 80% ਔਫ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 80% ਔਫ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਰੀਜਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, 80% ਬ੍ਰੇਨ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਰੀਜਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਪਰ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨ ਅਤੇ ਔਨ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਇਨ ਔਨ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਬੋਕਸ। ਤਾਂ ਔਨ ਅਤੇ ਇਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ, ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੱਥ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਓਲਫੈਕਟਰੀ ਲੋਬਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਲਫੈਕਟਰੀ ਲੋਬਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਘਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਓਲਫੈਕਟਰੀ ਲੋਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਰਿਸੀਵਸ ਦਾ ਓਲਫੈਕਟਰੀ ਸਿਗਨਲਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੋਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਡਾਇਨਸੈਫਲਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ, ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਪੀਥੈਲਮਸ। ਪਰ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਗਰ ਹੈ, ਥਰਸਟ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕੋਈ ਲਵ ਹੈ, ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ? ਆਪਣਾ ਡਾਇਨਸੈਫਲਿਨ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨੀਮੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਡਾਇਨਸੈਫਲਿਨ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰਡ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਨਾਮ ਬੜੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਰੂਰਾ, ਸੈਰੀਬਰੀ, ਕੋਰਪਰਾ, ਕੋਡਰੀ ਜੈਮਿਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪਲਸਿਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਬੜਾ ਲਾਸਟ ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ। ਬੜੇ ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਨਸ ਵੈਰੋਲਾਈ, ਮੈਡੂਲਾ ਓਬਲੋਂਗੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਰੀ ਬੈਲਮ। ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੈਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਰੀ ਬੈਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਰੀਜ਼ੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੈਰੀ ਬੈਲਮ ਅਤੇ ਸੈਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਸੈਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਰੀਜਨਿੰਗ, ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਸੈਰੀ ਬੈਲਮ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਪੋਸਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੋਸਚਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਖੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸੈਰੀ ਬੈਲਮ ਨੇ। ਬੜੇ ਮੈਡੂਲਾ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ? ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਇੱਛਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਣਇੱਛਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ? ਆਪਣਾ ਮੈਡੂਲਾ। ਬੜਾ ਪੋਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ।
बाकी सारी इनवेंट्री कंट्रोल कौन करेगा अपना, दैट मेडुला ऑब्लोंगेटा, और कौन सी करेगा सिर्फ रेस्पिरेशन कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। पर दिस इज़ हाउ अपना ब्रेन हैगा कोऑर्डिनेशन दे विच काम करता है। ब्रेन दे अलग अलग पार्ट जिहड़े हैगे अलग अलग तरह काम करते हैं, जिहने कोल फोर ब्रेन है, ठीक है ना। आपने कोल मिड ब्रेन है, आ पिछला अपने कोल की है बेटा हिंड ब्रेन है। तो हिंड ब्रेन के पार्ट्स आप बिल्कुल याद रखने हैं, पोन्स, वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम। ते फोर ब्रेन दे पार्ट्स केड़े सीगे, सैरी ब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स, डाइनसेफलन। मिड ब्रेन दे पार्ट्स आप याद नहीं करते, आप सिर्फ इन्ना रखना है कि हजे फिलहाल वो सारिया ग्राहियां नूं रिसीव करन दा काम करता है, ठीक है ना बेटा। पर एक होर टॉपिक दे भी दस्या पिया, कहिंदे अपने कोल जिहड़े पार्ट्स हैगे वो सारे काम करके, ठीक है ना, अपने नाल नाल दूसरे दे काम दे विच भी हैल्प करते हैं, ठीक है ना। हुण सपोज करो बेटा असीं प्रतिवर्ती वर्ड पढ़िया सीगा, प्रतिवर्ती मतलब कि हुंदा रिफलैक्स एक्शन। तो रिफलैक्स एक्शन दे विच बेटा की हुंदा है, हम कहने जो असं सोचते हैं कोई बड़ा वधिया खाने बारे सोचते हैं, सारे मुँह च पानी आ जाता, ठीक है ना। तो कहने जो अपना दिल धड़क आप रोक नहीं सकते, या भोजन पचाना है आपको याद नहीं करना पैंता कि भोजन पचाना है। हूँ सपोज करो बेटा किचन खाना रख के आते हो, तुम्हें याद करना पैंता है कि मैं खाना रखे खाने को बंद भी करके आना पैंता, सड़ जाएगा, ठीक है ना। बट इतने की है, ब्रेन जो भी कुछ कर रहा है सारा कुछ की है एक सिस्टम के अंडर है, सानू ब्रेन में याद नहीं करवाना पैंता, ठीक है ना। बट हूँ तुम एक गल दसो ध्यान देना, जो तुम मैं कहा कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, तुम्हें पूछोगे पाचन नू कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन करेगा, मेडुला, ठीक है ना। जो दिल की धड़कन नू कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि सारिया जिन्या भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है वो सारी किसने कंट्रोल करनी है, मेडुला ने। हूँ तुरना है, तुरन का मतलब पोषण रिलेटेड हो गया, तो कौन कंट्रोल करेगा बेटा, सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। तो हर एक पार्ट जो है बेटा अपने अलग अलग पार्ट काम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन परफॉर्म करने बाद आपस नाल लैके भी चलते हैं। पर अगला टॉपिक है अपना टिशुआ की रक्षा किवें होंदी है, हाउ टिशूज आर प्रोटेक्टेड। कहने दिमाग है, तुम पहले दस चुके हैं ऑलरेडी बच्चे, कहने बहुत कोमल अंग है, यहाँ सुरक्षा अति जरूरी है। एक डब्बे सुरक्षित डब्बे नाम दस्या पहले ही मैं, क्रेनियम कैविटी सुरक्षित है, और डब्बे अंदर की होंगे बेटा इन्होंने झटके ना लगन, टुटे ना अपना ब्रेन, ठीक है ना। वास्ते की होंगे मेनिंजिस होंगे, जो सैंडविच के ब्रैडा लगाइया होंगे, इस अंदरला पार्ट प्रोटैक्ट रहा ना, सेम है मेनिंजिस ब्रेन हैगा बिल्कुल प्रोटैक्ट रहा, ठीक है ना। पर उस तो बाद नाल अपने को नाड़ी टिशू काम किवें करता है, फिर अपना इतने डिस्कस करना है अज नाड़ी टिशू ना काम किवें करता है। पर अस पहला पढ़ चुके हैं साइनैप्स के नाल ते रिफ्लैक्स एक्शन के नाल नाड़ी टिशू अपना काम करता है, उन्हें की होंगे साइनैप्स से भी जी इनफॉर्मेशन हैगी एक न्यूरोन दूसरे न्यूरोन जाई जाएगी, जो न्यूरोन्स अपने को सेंसरी न्यूरोन सिग्नल नूं ब्रेन तक लैके जाएंगे, तो ब्रेन इंटरप्रैट करेगा, दसेगा कि काम होना चाहिए, किवें होना चाहिए, तो ब्रेन उस काम नूं परफॉर्म करन दे लई हैल्प करेगा। पर एक होर गल भी आती है, कहते जो ब्रेन के अपने को अलग जो पार्ट्स है अपने को ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स वो इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है ना। पर एक होर गल बहुत ज़्यादा जरूरी यह है कि ब्रेन ने जो भी काम करना वो इनफॉर्मेशन ब्रेन को स्टोर होनी चाहिए है, वो प्रीवियस इनफॉर्मेशन के बेस पर काम करता है। पर जिन्हें रिफ्लैक्स एक्शन वो प्रीवियस इनफॉर्मेशन के बेस पर काम होंगे, अदरवाइज काम नहीं होगा, ठीक है ना। उस समय बड़े क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 132 मेरे को पुरानी बुक है पंजाबी वाली, ठीक है ना, तुम चैक कर सकते किहड़े पेज नंबर पर क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया तुरंत की अंतर है, बट सीधी जी गल है, प्रतिवर्ती क्रिया होंगी है, उन्होंने कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, सुखनाड़ी ब्रेन की मदद के नाल। बट तुरंत कौन हेल्प कर रहे हैं, ब्रेन का पार्ट काम कर रहा है सेरिबेलम, क्योंकि सारा पोस्चर कंट्रोल किने करना अपने को सेरिबेलम ने, ठीक है ना। पर प्रतिवर्ती क्रिया होंगी है अपने को होंगे संवेदी न्यूरोन जो अपने को सिग्नल लेके जाएंगे, ठीक है ना, पहला स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड डिसाइड करेगी कि सिग्नल उन्हें आंसर आप देना कि ब्रेन ने देना, बट तुरंत सिर्फ ब्रेन सहाई है, ठीक है ना। अगे बेटा दो न्यूरोना विचकार सिनैप्स ते की होंगे, मतलब सिनैप्स कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं बेटा। सिनैप्स दे विच की होंगे अपने को एक प्री सिनैप्टिक नोब बनती, एक पोस्ट सिनैप्टिक डिप्रैशन बनता है, उपर पासे पासे की होंगे अपने को जिन्होंने बोल दें असी दैट नर्व एंडिंग्स, ते नीचे की होंगे अपने को बेटा, नीचे होंगे अपने को डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरोन्स, ठीक है ना। इतने बेटा की होंगे दोनों विचकार एक फंक्शनल जंक्शन बनता, इन्हों बोलते हैं असी सिनैप्टिक क्लेफ्ट, एक न्यूरो ट्रांसमिटर जो नाम है एसीटाइल कोलाइन सिक्रीट होंगे, तो उस सारी इनफॉर्मेशन जी है नैक्सट न्यूरोन तक पास होंगी है। क्या दिमाग का किड़ा भाग स्थिति संतुलन बनाता है, पर स्थिति संतुलन कौन बनाएगा अपने को सेरिबेलम,
ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਗੰਧ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਓਲਫੈਕਟਰੀ ਲੋਬਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੁੰਘੇਗਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਓਲਫੈਕਟਰੀ ਲੋਬ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਉਸ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਖਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਟੂ ਡੂ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੱਸੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਚੈਪਟਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ।